हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास टेंथ का ये चैप्टर केमिस्ट्री का, इसका आज स्टार्ट हो रहा है पार्ट वन। और इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर का हमारा जो नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन के बारे में पढ़ना है और कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम कार्बन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट। क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा जब कार्बन पर ही बेस्ड है, तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कार्बन से। ठीक है, तो सबसे पहली मुलाकात, फर्स्ट वीडियो कार्बन से हमारी एक अच्छी मुलाकात होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्बन जो होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो बच्चों, कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और जैसा कि ये कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। और इस तरीके के क्या हमारे एलिमेंट सिर्फ एक कार्बन ही है, तो नहीं है ना। कितने एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से हमने 120 एलिमेंट्स के बारे में हम उनसे परिचित हो चुके हैं, मतलब वहां तक हम पहुंच चुके हैं। एलिमेंट्स तो बहुत सारे होंगे, जब गॉड की बनाई हुई ये धरती है, तो हम जैसे पहुंचते पहुंचते हम जो है ना 120 एलिमेंट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे डिस्कवरी अभी जारी है ना, तो और भी हम जानेंगे और एलिमेंट्स के बारे में। तो उन 120 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट हमारा है कार्बन। ओके, और जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, इन सारे एलिमेंट्स को गॉड की तरफ से कुछ दिए गए हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स, कुछ प्रोटॉन्स, कुछ न्यूट्रॉन्स, ये इनको दिया गया है। मतलब इन ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स गॉड की तरफ से दिया गया है। और ये कार्बन, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन चाहे इंडिया में हो, ठीक है, चाहे आपके घर में ये कार्बन मौजूद हो, कार्बन आपने देखा तो होगा ही। कहाँ देखा है आपने कार्बन को, तो जो भी जो राख होता है ना उसमें कार्बन होता है, कोयला जो है उसमें कार्बन होता है, पेंसिल की लीड जो है वो कार्बन है, डायमंड है वो कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन आपने बहुत सारी जगह पर देखा है। ठीक है, काजल जो होता है उसमें कार्बन होता है, तो ये सब कार्बन है। रोटी, आप रोटी सेक रहे हैं हम, और रोटी जल जाती है तो वहां पर भी कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन हर तरफ कार्बन आपको देखने के लिए मिलेगा। हम जो गैस ले रहे हैं, है ना, तो उस एटमॉस्फेरिक गैस में O2 अभी तो जा रहा है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसमें से भी जो गैस आ रहा है वो क्या है, CO2। जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आपके सामने केक है, और जब आप केक के कैंडल पर जब आप फूंक मारते हैं और कैंडल बुझ जाती है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, जब कैंडल बुझी है ना, तो आपके मुँह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है, जिसकी वजह से वो फोर्सली निकला है, जिसकी वजह से वो कैंडल बुझ गई। तो ये सब जगह पर कार्बन है, और ये कार्बन चाहे कहीं का भी हो, चाहे आपके घर का कार्बन हो, इंडिया का हो, या फिर कहीं का भी ले लो, है ना, काठमांडू का कार्बन हो, या फिर आप अमेरिका का ले लो, लंदन का ले लो, जापान का ले लो, कहीं चाइना का ले लो, कहीं का भी कार्बन है, तो गॉड की ऐसी व्यवस्था है, कोई भेदभाव नहीं। अगर कार्बन है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितने यहाँ हैं उतने ही वहाँ भी रहेंगे। आप चाहे यहाँ के कार्बन्स को देखेंगे तो तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन है, तो कार्बन बताता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, और अमेरिका जाकर के पूछेंगे कि भाई कार्बन आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसके पास भी, अमेरिका वाले कार्बन के पास भी सेम आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये गॉड की तरफ से दिया हुआ होता है। तो कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों 6, और अगर हम इसके प्रोटॉन की बात करें, हालांकि अभी प्रोटॉन की जरूरत नहीं है ना, तो छोड़ दो, प्रोटॉन को छोड़ दो, अभी हम ना केवल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं कितने, 6 होते हैं। ओके, अब 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी आपने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा है बच्चों, तो बेसिक केमिस्ट्री, मेरे जो बेसिक केमिस्ट्री के जो वीडियोज हैं उसमें आप जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में जाकर के, वहां पर ये पूरा सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ईजी वे में आपको समझाया है। तो देखिए, इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए गॉड ने घर भी दिए हैं। ठीक है, पहला वाला जो घर है उसमें, फर्स्ट वाला जो रूम है ना, उस रूम का नाम है K, और दूसरा वाला जो रूम है उसका नाम है L। इसके पास केवल 2 ही रूम है। ठीक है, तो 6 में से फर्स्ट वाले K में ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखता है, तो ये K में गॉड ने बोला ही है कि तुमको 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना ही है, उससे ज़्यादा तुम रख ही नहीं सकते, और जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को तुम L में रख सकते हो। तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 में से 2 इसने यहाँ
रख दिया, इसके पास बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा बच्चों, वो रख देगा अपने एल वाले में, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको रखने के लिए कार्बन के पास 2 रूम होता है। पहला रूम होता है के, जिसका नाम होता है शेल या ऑर्बिट, है ना। रूम को हम क्या बोलेंगे, शेल या ऑर्बिट। तो इसके फर्स्ट वाला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो इसका सेकंड वाला जो शेल या ऑर्बिट होता है उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, ये जो मैंने 2 और 4 लिखा है ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ये चीज क्या है, ये जो के और एल है ये है क्या, तो इसको बच्चों बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेल या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, है ना। इसको हम बोलते हैं शेल या ऑर्बिट, ओके। और इसको अगर मैं बनाऊं तो ये रहा हमारा कार्बन का न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मैं कार्बन को बनाऊं, ड्रॉ करूं, तो ये कार्बन का देखो न्यूक्लियस है। इस कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर में 6 आपको मिलेंगे प्रोटॉन और 6 मिलेंगे यहां पर न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर में इसके 2 रूम मिलेंगे आपको, यानी कि 2 शेल या ऑर्बिट मिलेंगे। ये पहला वाला शेल और ऑर्बिट हो गया और ये दूसरा वाला सेल और ऑर्बिट हो गया, ठीक है। और पहले वाले सेल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट वाले में हैं और सेकंड वाले में कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब आप जरा कार्बन से बात करके देखो, आप कार्बन से पूछो कि कार्बन आपको कैसा लगता है, आप कार्बन का इंटरव्यू लो कि कार्बन आपको कैसा लगता है। तो कार्बन कहता है कि मैं बहुत ही बेचैन महसूस करता हूँ, काफ़ी बीमार महसूस करता हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, खुश नहीं हूँ, हमेशा ऐसा लगता है, तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत हाई फीवर है, ठीक है। इसकी तबीयत बहुत ख़राब है ना, मतलब ये अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहा है, कौन, कार्बन। तो हमने पूछा कि ऐसा क्या है, क्यों आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो कार्बन ने बोला कि मुझे गॉड ने एक टास्क दिया है, गॉड ने बोला है कि यहाँ पर तुमको, तुम्हारे 4 है ना जहाँ पर, वहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लास्ट वाला रूम ये है, तुम्हारे पास 2 ही रूम है और तुम्हारा लास्ट वाला रूम यानी कि लास्ट वाला शेल कौन सा है, एल है, और एल सेल में तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, तुम्हारे को 8 इलेक्ट्रॉन्स करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये काम तुमको खुद को ही करना पड़ेगा, मैं नहीं दे सकता, ठीक है। गॉड ने बोला कि मैं नहीं दूंगा तुमको, दे सकता हूं बट दूंगा नहीं। अगर मैं तुमको 6 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता हूं तो मैं तुमको और भी दे सकता हूं, है ना, 4 यहां पर और दे देता तो तुम्हारे 10 हो जाते और तुम्हारा यहां पर 8 कंप्लीट हो जाते, और जैसे तुम्हारे 8 कंप्लीट होते तुम्हारी सारी बीमारी हट जाती, तुम्हारा जो फीवर है वो ठीक हो जाता, बहुत अच्छा खुश और बहुत ही अच्छा तुमको महसूस होता, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं, है ना, ये काम तुमको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ करना है ना, करना है, काम करना है, टास्क दिया है कि यहां पर क्या करना पड़ेगा, 8 कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और 8 कंप्लीट करने को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना, है ना, ये क्या कहलाता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना, यानी कि कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और जब तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल यानी कि अपने आप को ये बीमार महसूस करेगा। इसको स्टेबल होने के लिए, अच्छा होने के लिए इसको अपने लास्ट वाले रूम में 8, और लास्ट वाले रूम को क्या बोला जाता है, लास्ट वाले रूम को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट, देखो इसको बोला जाता है आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट, ओहो मैं ये क्या मार्कर जो है ना, आउटर मोस्ट नया मार्कर है अभी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है। उस बाहर वाले ऑर्बिट में इसको कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है कितने, 4, मतलब कि ये इसको लाना पड़ेगा, 1, 2, 3 और 4, 4 इसको कमाना पड़ेगा, है ना। जब ये 4 कमाएगा तब जाकर के ये क्या महसूस करेगा, तब ये अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा, स्टेबल महसूस करेगा। अभी ये क्या महसूस कर रहा है, अभी ये अपने आप को अनस्टेबल महसूस कर रहा है, ओके। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। ये देखिए कार्बन से हमारी मुलाकात हो रही है ना, तो इस तरीके से हम कार्बन के बारे में एक 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 स्टेप, पहले हम इससे थोड़े से फैमिलियर होंगे। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कार्बन को करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन कार्बन के लास्ट में कितने हैं, 4 हैं, इसको 4 चाहिए,
ठीक है, चार इसको चाहिए, है ना। तो सोचता है कि क्या करूं मैं, किस तरीके से अपना चार कंप्लीट करूं। अच्छा एक और बात देखो, चार ऑक्टेट कंप्लीट करके भी ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है और ड्यूप्लेट कंप्लीट करके भी अपने आप को स्टेबल कर सकता है। ड्यूप्लेट का मतलब होता है कि केवल दो ही कंप्लीट कर लो, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन करता है ना। हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की स्थिति को आप देखिए तो हाइड्रोजन की स्थिति कुछ ऐसी है, हाइड्रोजन को गॉड ने क्या दिया है, इसको सिर्फ आप गॉड ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और गॉड ने बोला है कि तुम्हारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो तुमको एक ही रूम की जरूरत है, तुम्हारे पास सिर्फ के रूम रहेगा और इस के रूम में तुम क्या करो कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को रख दो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन केवल वन है ना। तो अब इसको गॉड ने टास्क क्या दिया है, अब ये कहता हाइड्रोजन कहता है आपने मुझे वन इलेक्ट्रॉन दिया है, अगर मुझे ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना पड़ेगा तो मुझे तो सेवन इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो सेवन इलेक्ट्रॉन तो पूरी जिंदगी में घूमता रहूंगा तो मुझे नहीं मिलने वाला है, तो फिर मैं क्या करूं, है ना, क्या मैं हमेशा अपने आप को अनस्टेबल यानी कि बीमार ही महसूस करता रहूंगा। तो गॉड ने कहा कि नहीं, इसका दूसरा रास्ता भी है, दूसरा रास्ता मैं बता रहा हूं तुमको, क्या करना है कि तुमको अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना है, तुमको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, ठीक है। ड्यूप्लेट कंप्लीट करने का मतलब यह है कि अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये रहा इसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में है वन प्रोटॉन, ओके, और ये उसके बाहर में है इसका ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट या शेल, और इसमें है एक इलेक्ट्रॉन। गॉड ने बोला कि ये तुम्हारा आउटर मोस्ट है, एक ही तुम्हारे पास है ही, तो बाहर वाला तुम्हारा रूम ये है, आउटर मोस्ट सेल तुम्हारा ये है। इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा था, एल था। इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, वो है के, है ना। के जो तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल है ना, उसमें तुम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कर लो, अपने आप को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो तुम क्या हो जाओगे, ड्यूप्लेट हो जाएगा, ठीक है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने का टास्क दिया गया है, लेकिन इसको ड्यूप्लेट कंप्लीट करने का टास्क दिया गया है क्योंकि गॉड ने इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। अब इस ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, है ना, ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसको भी काम करना पड़ेगा, और जब तक इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं होता है तब तक स्टेबल ये फील नहीं करेगा, ओके। तो अब ये कहता है, कार्बन सोचता है कि मैं भी क्यों ना, जब दो रास्ते हैं, या तो ऑक्टेट कंप्लीट करो या ड्यूप्लेट कंप्लीट करो, तो मैं भी क्यों ना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लूं। तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए जब ये दिमाग लगाता है तो ये क्या सोचता है कि ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए इस चार इलेक्ट्रॉन को मुझे ऐसे चार बंदों को पकड़ना पड़ेगा जो मेरे चार इलेक्ट्रॉन का ख्याल रख सके, मतलब वो चार इलेक्ट्रॉन उनको देना पड़ेगा, है ना। क्या तुम मेरे चार इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, क्या तुम ले सकते हो, या तुम दो ले लो, तुम दो ले लो, ऐसा कर सकते हो क्या, या तुम मेरा एक ले लो, तुम एक ले लो, तुम एक ले लो, तुम एक ले लो, चार लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तो ये सोचता है कि जब मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो क्यों ना मैं मेहनत करके इलेक्ट्रॉन ले ही लूं, यानी कि मैं ऑक्टेट वाला रूल फॉलो करूंगा और हाइड्रोजन को तो ड्यूप्लेट वाला रूल फॉलो करना ही है। ये तो सोचता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, चलो भाई, है ना, कमाते हैं, देखते हैं। दोनों निकल जाते हैं अपने काम धंधे पर कि कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। तभी कार्बन की मुलाकात हाइड्रोजन से होती है, ठीक है। कार्बन की मुलाकात किससे हुई, हाइड्रोजन से हुई। कार्बन ने अपनी पूरी सिचुएशन इसको हाइड्रोजन को बताई कि हाइड्रोजन भाई ऐसा है कि मुझे चार इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, और हाइड्रोजन कहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब दोनों को जरूरत है, दोनों को चाहिए, ठीक है। तुमको क्या करना है, मुझे चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुमको क्या करना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तुमको भी चाहिए, तुमको भी चाहिए, है ना, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है दोनों की, इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए। वर्ड ये ध्यान रखो बच्चों, पकड़ो इसको, मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, रिक्वायरमेंट है, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, जरूरत है, मतलब दोनों को इलेक्ट्रॉन क्या है, चाहिए, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों चाहने वाले में ही है, है ना, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यहाँ पर दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखो होता क्या है, अब इसमें दिमाग लगाता है कार्बन, और कार्बन कहता है कि एक मिनट, एक काम करते हैं। इस कार्बन ने बोला कि देखो ये रहा भाई, मैं बैठ गया, ठीक है, ये मैं हूँ कार्बन हूँ, ठीक है, ये मैं कार्बन हूँ, और ये रहा मेरा आउटर मोस्ट, ये कार्बन हूँ मैं, और ये मेरा आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। अब हम पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल को ड्रॉ करेंगे, और ये कहता है कि मेरे आउटर मोस्ट में यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, है ना, गॉड ने मुझे चार इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं और मुझे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तुमको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, हाँ करना है, तो तुम एक काम करो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो तुमको चाहिए है ना, उस एक इलेक्ट्रॉन को तुम लेके आओ, अपन दोनों उसको शेयरिंग कर लेते हैं। इसने हाइड्रोजन को इनवाइट किया, दिमाग लगाया, और इसने बोला कि तुम अपना वाला जो एटम है ना, उसको लेकर के मेरे एटम के अंदर आओ,
ठीक है, और अपने इलेक्ट्रॉन को, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो ये बोलता है ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कहता है कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो यहाँ रख दो यहाँ, ठीक है, ये वाला जो बीच का स्पेस बनेगा है ना, तो इस स्पेस को क्या करेंगे, ये शेयरिंग वाली स्पेस कहलाएगी, ठीक है, शेयरिंग वाली, यानी कि मैंने और तुमने, हम दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। शेयरिंग में हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है ना भाई, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो कहते हैं कि बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगने वाले हैं, तो अगर दो पार्टनर मिलकर के बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो एक कहता है कि 50,000 मैं लगा देता हूं, दूसरा 50,000 लगा देता है, और इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट हो गया, जो भी प्रॉफिट होगा उसको भी हाफ हाफ ले लेंगे, इनको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो यहां पर भी क्या होगी, शेयरिंग होगी। लेकिन शेयरिंग का पहला रूल नंबर वन कि जो जितना इलेक्ट्रॉन ये रखेगा शेयरिंग में उतना ही इलेक्ट्रॉन ये भी रखेगा शेयरिंग में, यानी शेयरिंग में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बराबर रखे जाएंगे। तो कार्बन ने यहां पर अपना एक इलेक्ट्रॉन अपना रखा, ठीक है, और हाइड्रोजन को बोला कि तू भी अपना शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन रख, तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिया कि ये लो मेरा इलेक्ट्रॉन, ये लो मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग में यहां पे हो गया। अब देखो यहां पर, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उसका इस्तेमाल ये कार्बन भी करेगा, अपने में काउंट करेगा, ठीक है, और उसका इस्तेमाल ये हाइड्रोजन भी करेगा। तो जरा हाइड्रोजन को देखो एक बार, ये कार्बन हाइड्रोजन से कहता है कि तू जरा अपने आप को देख, है ना, तो हाइड्रोजन जब अपने आप को देखता है तो इसके गोले के अंदर, है ना, इसके सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इसको दिखाई देते हैं, दो, यानी कि इसका क्या हो गया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, है ना, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ड्यूप्लेट कंप्लीट होते ही तुरंत ही इसके चेहरे पे क्या हो जाती है, एक जो है मुस्कुराहट आ जाती है, इसको बहुत अच्छा महसूस होता है, सारी जो बीमारी थी वो गायब, तबीयत एकदम हरी भरी हो जाती है, ठीक है। तो इसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब कार्बन कहता है कि देखो मेरा ऑक्टेट लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया लेकिन मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 मेरे तो 5 ही हैं, ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये तो मेरे भी हैं, तो मेरे गोले के अंदर तेरा वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो मैं काउंट करूंगा अपने अंदर, ठीक है, तो 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ही हुए हैं, ठीक है, तो क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कार्बन कहता है हाइड्रोजन से कि ऐसा करो कि तुम जो है, तुम्हारे और भाई हैं क्या, तो हाइड्रोजन कहता है हाँ मेरे और भी भाई हैं, तो कहता है फोन लगाओ उनको, तो वो अपने भाइयों को फोन लगाता है, हेलो हेलो, है ना भाई, तीन भाई आ जाओ आप लोग, ठीक है, आप लोग भी, आपका ड्यूप्लेट कंप्लीट होने वाला है, तो तीन भाई और आ जाते हैं, जो इस भाई के साथ होता है वही इधर इस भाई के साथ भी होता है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया, है ना, तीनों भाई आ गए। इसने फिर बोला कि जैसे मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है वैसे ही कार्बन भाई की बात मान करके आप भी क्या करो, अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो देखो हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, उस इलेक्ट्रॉन को उसने यहाँ रख दिया, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको इसने यहाँ रख दिया, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको इसने यहाँ रख दिया, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, अब ये कार्बन कहता है कि तुम सारे के सारे जरा अपने अंदर चेक करो, है ना, तो इसके सर्कल के अंदर आप देखो, तो इसके सर्कल के अंदर इसको दो इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, यानी कि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ठीक है, इसके सर्कल के अंदर इसको दो इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, यानी इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ठीक है, तो इसके चेहरे पे स्माइल, इसके चेहरे पे स्माइल, इसके चेहरे पे स्माइल, इसके चेहरे पे स्माइल। अब बारी है कार्बन की, जब कार्बन अपने आप को देखता है, ठीक है, तो देखो कार्बन के सर्कल के अंदर, देखो बच्चों, तो कार्बन के सर्कल में दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते ही कार्बन की सारी बीमारी दूर हो जाती है और कार्बन भी क्या हो जाता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन का ऑक्टेट यहां पे कंप्लीट हो गया, बहुत ही अच्छा महसूस करता है ये, और गॉड ने जो टास्क दिया था इनको, हाइड्रोजन को टास्क मिला था ड्यूप्लेट कंप्लीट करने का, वो कंप्लीट हो गया, और कार्बन को मिला था ऑक्टेट कंप्लीट करने का, वो कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां पर जो कंप्लीट हुआ है ना, काम जो हुआ है ये कैसे हुआ है ना, करने का काम कंप्लीट करने का, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का, किसी ने ऑप्लेट कंप्लीट किया, ऑक्टेट ऑक्टेट, किसी ने ऑक्टेट कंप्लीट किया और किसी ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। किसी ने ऑक्टेट कंप्लीट किया और किसी ने ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, लेकिन दोनों ये कंप्लीट करने के पीछे का मेथड क्या था, तो बच्चे इसमें मेथड क्या था, देखो मेथड इसमें ये था कि क्या किया गया है, शेयरिंग की गई है, ठीक है, याद रखिए कि क्या किया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की गई है, ठीक है, मतलब, और शेयरिंग में हमेशा क्या होता है, ध्यान रखना, शेयरिंग में हमेशा इक्वालिटी होती है, यानी कि इक्वल, है ना, इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग होगी, जितना इलेक्ट्रॉन आप रखोगे उतना ही इलेक्ट्रॉन मैं भी रखूंगी, ठीक है,
ये रहा मेरा पत्ता, ये रहा मेरा पत्ता, ठीक है ना, मतलब सेम सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और जब शेयरिंग होती है तो यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग में, शेयरिंग के बाद बनता है बॉन्ड, बॉन्ड वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ शेयरिंग में क्या बनेगा बच्चों। तो शेयरिंग में बनता है बॉन्ड, क्या बनता है बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का एक नाम होता है, इस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर एक वैलेंसी फॉल हुई है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंसी, ठीक है, एक वैलेंसी फॉल हुई है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंसी। और जहाँ पर जिसके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो एक किस प्रकार का कंपाउंड कहलाता है, तो वो कहलाएगा कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, वो क्या कहलाएगा कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। और ये बॉन्ड बना ही क्यों, तो ये बनता है, पहला पॉइंट होना चाहिए, जब रिक्वायरमेंट हो, क्या हो, रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट, है ना, जब दोनों को ही रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, तब जा करके ये फर्स्ट पॉइंट इसको ले लो, है ना, फिफ्थ वाला नहीं बल्कि ये फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर के ये सारे काम होते हैं। एक बार मैं जरा देख लूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ाए जा रही हूँ, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पढ़ा रही हूँ और उधर कैमरा बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं फुल हो गया है। तो देखो, इतनी बात आपको समझ में आई, तो रिक्वायरमेंट अगर रहेगी, जरूरत, तुमको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, तुमको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, तब शेयरिंग वाला काम होगा, ठीक है। और इनको चाहिए क्यों, किसी को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, किसी को ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, हो सकता है दोनों को ही ऑक्टेट कंप्लीट करना हो, हो सकता है दोनों को ही ड्यूप्लेट कंप्लीट करना हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में यहां पर शेयरिंग होगा, और शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर बराबर लगाए जाएंगे दोनों तरफ से, यानी ये एटम है, ये एटम है, तो हमेशा बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाए जाएंगे, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाए जाएंगे। और जब बराबर इलेक्ट्रॉन लगेंगे तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का नाम क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और ये वैलेंसी, ये एक प्रकार की वैलेंसी कहलाएगी, कौन सी वैलेंसी, कोवेलेंसी। और ये जो कंपाउंड बना है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब इन्हीं को, इनको अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, अब देखो इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, इन्हीं को अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ये रहा कार्बन, है ना, मैंने भी यहाँ पर रख दिया, ये लो भाई कार्बन। उसके बाद ये हाइड्रोजन जो है ना, इसको मैं ना एक बॉन्ड का रूप दूंगी, बॉन्ड का रूप, तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐसे दे दिया, बॉन्ड का रूप, ठीक है। फिर ये कार्बन है ना, तो यहाँ पर मैं क्या दूंगी, एक बॉन्ड का रूप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को दे दिया एक, यहाँ पर बॉन्ड, कार्बन के साथ एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है कौन, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है कौन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो, अब ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया, ओके, ये पूरा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था, ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसको थोड़ा सा और समेटते हैं, और छोटा करते हैं, थोड़ा भाई और सिकुड़ जाओ, छोटे हो जाओ, ठीक है, लो भाई और छोटे हो जाते हैं, है ना, जैसा आप कहें। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी और हाइड्रोजन कितने हैं, चार, तो एच के आगे नीचे यहां पर लगा दो चार, तो ये क्या हो गया, CH4, और इसका नाम क्या है, मेथेन, ओके। तो देखो, जब भी आपके सामने एक सिंगल बॉन्ड हो तो जरूर दिमाग में रखना कि सिंगल एक बॉन्ड बना कैसे, तो जरूर इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इसका लगा होगा, एक इसका लगा होगा, तब सिंगल बॉन्ड बना, एक इसका लगा होगा, एक इसका लगा होगा, एक यहां इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहां होगा, ठीक है। ये चीज आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, ये जो सिंगल बॉन्ड बना है, है ना, ये सिंगल बॉन्ड कौन सा है, तो ये बॉन्ड कैसे बना है, शेयरिंग के द्वारा बना है, इसलिए ये बॉन्ड कौन सा है, इसी बॉन्ड का नाम, ये जो बंधे हुए ना, बॉन्ड का मतलब बंधना। अब कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध चुके हैं, ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इनको तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तो ये हमेशा एक दूसरे के लिए जुड़ गए हैं, ठीक है। अब यहां पर एक कार्बन रहेगा, दो हाइड्रोजन यहां पर है और दो हाइड्रोजन यहां पर है, इस तरीके से जुड़े ही हैं, अब हमेशा ये एक साथ ही रहने वाले हैं, तो ये बॉन्ड हमेशा के लिए बन गया है, ठीक है। और किस प्रकार का बॉन्ड बना है, तो सिंगल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और उस बॉन्ड का नाम क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये मैं अब आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ये कोवेलेंट
बॉन्ड तीन प्रकार का हो सकता है। सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है पहला, ठीक है, दूसरा डबल बॉन्ड भी बन सकता है, और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल तीन प्रकार का होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको सिंगल पढ़ाया है। एक एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड बना है। दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये भी दो लगाएगा, ये भी दो लगाएगा, मतलब ये एटम नहीं होगा कोई और, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो वहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना है। और बॉन्ड का मतलब कि जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे से बंध गए, बंधना है ना, बंध गया। अब हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों, हम पांचों एक दूसरे से बंध चुके हैं। अब पांचों हम क्या करेंगे, हमेशा एक साथ ही रहेंगे, हमको एक साथ ही रहना पड़ेगा। और हमारा नाम होगा CH4, हम एक कंपाउंड बन गए है ना, CH4 मेथेन, ठीक है। तो कार्बन के बारे में इतनी सारी बातें आपने जान ली इस चैप्टर में। ये कार्बन और हाइड्रोजन का बहुत ही अच्छा रिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। हर जगह आपको कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन है ना, यही मिलेंगे। ज़्यादातर आपको कार्बन के जो कंपाउंड मिलेंगे ना, वो कार्बन हाइड्रोजन के ही कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको, मतलब चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो में बच्चों हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट को सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों पार्ट वन यहीं पर मैं करती हूँ ओवर। एक बार मैं हट जाती हूँ, देखिए आप चाहें तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वैसे तो बुक में सब कुछ दिया रहता है, बस समझाना हम टीचर्स की जरूरत पड़ती है केवल उस चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। और सोचते हैं हम कि कितना इजी वे में आपको समझाएं ताकि आपको एकदम आसानी से मक्खन की तरह से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड में शेयर भी करिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। मिलते हैं पार्ट टू में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, Wednesday.